अंकित विहार में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन पंडित अतुलेश मिश्रा ने ठाकुर जी की बाल लीलाओं, गोवर्धन पूजा और रुक्मणी मंगल की कथा का वाचन किया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर कथा का अमृतपान किया। साथ ही ठाकुर जी के भजनों पर श्रद्धालु जमकर झूमते नजर आए। कथा के दौरान कथाव्यास अतुलेश मिश्रा ने बताया कि श्रीमद् भगवत पुराण किस तरह हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। साथ ही उन्होंने बताया कि हमें सदाचार का मार्ग अपनाकर परिश्रम करना चाहिए। कथा के सप्तम दिवस कल सुदामा चरित्र की कथा का वर्णन किया जाएगा। अच्छी तरह देख लूंगा। और इंद्र ने सामर्थक मेघ को भेजा। अब सामर्थक मेघ समुद्र में गए और काले काले बादल लेकर के अपने जाओ ब्रजवासियों के सारे ब्रजमंडल पे टूट पड़ो। और बाबा कहते हैं जैसे ही ब्रजमंडल पे टूटने का आदेश दिया ब्रजवासी घबराए और गोपाह गोपश्च सीतार्थ गोविंदम शरणम जयो। अरे भैया दीपावली के टाइम थोड़ी सी सर्दी होने शुरू हो जाती है, लेकिन कभी कभी थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाती है, लेकिन इतनी बारिश राज्य ब्रजवासियों ने कहा इतनी बारिश तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। हे कृष्ण, हे महाभाग, हे महाभाग, हमारे ब्रजवासी के एकमात्र देवता तुम्हें हो। अरे महाराज, इतनी बड़ी वर्षा हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। और जब भगवान श्री कृष्ण से सभी ब्रजवासियों ने जाकर के प्रार्थना की है, तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा अरे ये ब्रजवासी हमें को अपना देवता मान बैठे हैं, तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरे पास आप लोग क्यों आए हो? अरे भैया, जिनकी तुमने पूजा की है ना, हमें उनकी शरण में चलना चाहिए। एक बार शरणागत हो